तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये नई गाड़ी जो है हमारे पास आई है और ये अभी रिसेंटली परचेज्ड है, 1,10,000 की रेंज के अंदर 2010 मॉडल है। तो यहाँ पर आप इसकी मॉडिफिकेशन देख सकते हो और इस पर और वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी मेरे चैनल पे। तो ये सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लो, नो फार्मर नो फूड, आई सपोर्ट आर फार्मर्स। तो बिल्कुल भाई, जो जेन्युइन मांगे हैं उनकी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। ये है i10, ह्युंडई की तरफ से एरा मॉडल है, सेकंड टॉप मॉडल है, जिसमें फ्रंट पावर विंडो मिलती है, पावर स्टीयरिंग मिलता है, एसी मिलता है और सब का सब वर्किंग है प्रॉपर। और यहाँ पर आप देख सकते हो अलॉय व्हील्स डले हुए हैं 13 इंचेस के, और अलॉय व्हील की क्वालिटी देख लो। और यहाँ पर आप ये टायर प्रोफाइल देख सकते हो। तो ये तो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा और 2010 मॉडल के हिसाब से ठीक थी गाड़ी। हल्के फुल्के तो माइनर स्क्रैचेस तो रहते ही रहते हैं जब गाड़ी अगर हम सेकंड हैंड लेते हैं तो। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका नंबर है, फॉग लैंप लगे हुए हैं इसके अंदर। अब मैं आपको अंदर से एक बार दिखा देता हूँ। और ये देखो, ये बीच का इंटीरियर है अंदर का, तो इंटीरियर काफ़ी बढ़िया है। रियर की पावर विंडोज़ नहीं है, ये मैनुअल हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और बट ये वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉक भी वर्किंग है, यहाँ पर ये साइड में लॉक दिए हुए हैं इसके, जो नॉर्मल ऊपर होते हैं वो नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सीट कवर भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के जो हैं इसमें लगे हुए हैं। अभी तक 1 रुपया हमने इसमें ऊपर कुछ नहीं खर्च किया है। चारों डोर्स के अंदर स्पीकर हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फ्रंट ड्राइवर डोर की साइड और फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर देख सकते हो फ्रंट की 2 पावर विंडोज़ हैं, जिसके कंट्रोल राइट में आप डोर पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो, इंटीरियर में आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो देखो बीच का जो एक स्विच है, सिलेक्टर स्विच, तो वो गायब है, बाकी तो सब इसका प्रॉपर वर्किंग है। और ये गियर लीवर जो है, गियर शिफ्ट बहुत स्मूथ है गाइस इसके, मतलब सच में इंजन कंडीशन टॉप नॉच है इस गाड़ी की, बिल्कुल साफ़ पड़ेगी ये गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देख लो एंड्रॉयड टच स्क्रीन भी लगी हुई है 7 इंचज़ की। और ऑडोमीटर में मैं प्रॉपर आपको दिखा नहीं पाऊँगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गणपति बप्पा जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो फिर भी मैं आपको हल्का सा एक बार लुक दिखा देता हूँ। 1 लाख समथिंग ये किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कि प्रॉपरली मेंटेन की हुई है, जो चलाने से साफ पता लग गया था। बट इस पर भी आपको और वीडियोस देखने को मिलेंगी, लाइक रेडिएटर फ्लश हम कर रहे हैं इसी प्रोसेस के अंदर, तो इसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। और सेंटर लॉकिंग इसके अंदर लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और ये ORVM देखो आप, तो ये भी टॉप मॉडल का ही है, मतलब जो नाइट में डिम हो जाता है वो वाला सिस्टम भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और ये कैबिन लाइट है, कैबिन लाइट मॉडिफाई की हुई है ब्लू लाइट के अंदर, तो ये भी रात को मस्त लगती हैं। ये सनवाइज़र, इसमें वैनिटी मिरर नहीं है और यहाँ पर भारत सरकार लिखा हुआ है, बट यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये गाड़ी जिसकी थी तो उसका वो इंडियन रेलवे में जॉब करते हैं, तो इसलिए उन्होंने लिखवा रखा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्क्रीन है इसकी, बट यहाँ पर सरप्राइज़ आपको अभी और आगे देखने को मिलेगा कि स्क्रीन के साथ साथ हमें और भी क्या मिला है 1,10,000 के आसपास i10 के अंदर। तो अब मैं आपको बूट दिखाता हूँ इसका, फिर आपको वहाँ पर सरप्राइज़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कोई लीवर नहीं है कि आप ड्राइवर साइड से लीवर पुल करो और बूट खुलेगा, आप सेंट्रल लॉकिंग से अनलॉक करो और बूट को खोल लो, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखो, ये है सरप्राइज़, 12 इंच का बूफर इसके अंदर लगा हुआ है, और ये साथ के साथ लगा आया था तो हमने नहीं लगवाया। V18 का जो है 2 चैनल का सब वूफर एम्प लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसकी वायरिंग पहले से ही सारा कुछ पहले से ही हो रखा है, हमने कुछ वही नहीं करवाया इसके अंदर। और बूट की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है भाई, मतलब ये दरवाज़ा बंद करने में ही पता लग रहा था कि इसकी क्वालिटी क्या ख़तरनाक है। तो ये आप देख सकते हो। तो भाई ये थी वो गाड़ी जो 1,10,000 1,20,000 की रेंज में हमने परचेज़ करी है अभी, ह्युंडई की i10। और इसके रिगार्डिंग अभी और वीडियोस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आप चाहते हो कुछ और टॉपिक पे इसी गाड़ी के रिगार्डिंग, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसकी वीडियोस भी लेकर आ जाऊँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।